नगरी चित्रकूट के दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उड़न खटोले से सीआईसी के ग्राउंड में बने हेलीपैड पर उतरे, जहां स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने उनका स्वागत किया। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कलेक्ट्रेट सभागार करवी में चित्रकूट धाम मंडल के अधिकारियों के साथ विकास कार्यों और कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक की। चित्रकूट पहुंचकर पहले मुख्यमंत्री ने कुछ समय विश्राम किया, इसके बाद उन्होंने समीक्षा बैठक की। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के चित्रकूट दौरे से जहां जनता में विकास को लेकर एक उम्मीद जगी है, वहीं अधिकारियों में भी हड़कंप की स्थिति है। बुंदेलखंड में पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को कई निर्देश जारी किए हैं। चित्रकूट धाम मंडल की समीक्षा बैठक में पानी की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़ी फटकार भी लगाई है। सीएम योगी की अध्यक्षता में विकास कार्यों और कानून व्यवस्था को लेकर भी कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि विभागों में अधिकारियों की लापरवाही को हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हालांकि समीक्षा बैठक व योगी के अन्य कार्यक्रमों से मीडिया को दूर रखा गया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को करवी विकास खंड के ग्राम पंचायत कसहाई के दौरे पर है, जहाँ वे स्कूल चलो अभियान व स्वच्छता अभियान में भाग ले रहे हैं। से उसका गेहूं क्रय कर रहे हैं, जिसमें 1735 रुपये उसकी फसल का दाम है और 10 रुपये उसे छनाई और उतराई के रूप में हम लोग दे रहे हैं। किसान खुशहाल हो और किसान की खुशहाली के साथ ही प्रदेश की खुशहाली है, इसलिए आज इस निरीक्षण के अभियान में स्कूल चलो अभियान का भी हम लोगों ने निरीक्षण किया। पूरे प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में व्यापक अभियान चल रहा है, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल जाएं और स्कूल चलो अभियान के माध्यम से हम लोग हर बच्चे को स्कूल भेज सकें, शासन की सुविधाओं का लाभ उसे उपलब्ध कराया जा सके, इस दृष्टि से हम लोगों ने इस अभियान को आगे बढ़ाया। हम लोगों ने उसकी समीक्षा की है, उसके लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा चुकी है। कानून व्यवस्था के जल निगम को इसके लिए हम लोगों ने पूरी तरह जवाबदेह बनाया है और उसके कहा गया है कि एक समय सीमा के अंदर इन दोनों परियोजनाओं को जो चित्रकूट जनपद के 96 गांवों को जलापूर्ति करेंगे, इसके लिए उन्हें कहा गया है और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि हम लोग बहुत शीघ्र इन दोनों योजनाओं को यहाँ पर जलापूर्ति की दृष्टि से। न्यूज़ बीके के लिए चित्रकूट से रवि गुप्ता की रिपोर्ट।